सोयाबीन की खेती मध्य भारत में एक महत्वपूर्ण खेती मानी जाती है, खासकर एमपी में इसकी उपज सबसे ज़्यादा होती है। इस समय हमारे देश में ये देखा जा रहा है कि सोयाबीन की खेती पे इल्लियों का प्रभाव बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से हमारे किसान भाइयों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है। ये इल्लियाँ काफ़ी ज़्यादा अधिक मात्रा में पेड़ों पे हमला कर रही हैं, जिसके बाद ये फल फूल पत्तियों को नुकसान पहुँचा रही हैं, जिससे हमारे किसान भाइयों की आमदनी कम होने की आशंका है। उसी के साथ साथ फलों और पेड़ों में ज़्यादा नुकसान होने के कारण उन्हें आर्थिक रूप से भी काफ़ी ज़्यादा झटका लग सकता है, क्योंकि कई ऐसे किसान भाई हैं जिन्होंने लोन लेके खेती करी है, जिनको खेती से उम्मीद है कि इससे इनकम उनकी होगी और वो इससे अपनी आय करेंगे, अपना लोन चुकता करेंगे। पर इन्हीं सब को देखते हुए आज हमने ये सोचा है कि इन्हीं किसान भाइयों के लिए कुछ ऐसी दवाइयाँ और कुछ ऐसे नुस्खे हम बताएंगे जिससे वो इन इल्लियों को कंट्रोल कर सकते हैं और इनसे छुटकारा पा सकते हैं। चलिए आइए जानते हैं। इल्लियों को हटाने के लिए सबसे पहले आपको ये देखना होगा क्या आपने अपने खेत में बहुत ज़्यादा घनी मात्रा में पौध लगा रखी है। अगर आपने अपने पेड़ में घनी मात्रा में पौध लगा रखी है तो हम कहेंगे कि कुछ पेड़ आप अपने खेत से निकाल दीजिए, खेत में थोड़ी जगह बना लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको इल्लियों को मारने से ज़्यादा इस चीज़ पे ध्यान देना है कि इल्लियों की प्रजनन क्षमता खत्म करनी है, उसी के साथ साथ उनसे अंडे से निकलने वाले कीटों को ख़त्म करना है। हम कभी कभी स्प्रे करते हैं उनसे खाली इल्लियाँ मरती हैं, पर अंडे बच जाते हैं जिनसे दोबारा इल्लियाँ निकल के जिनसे उसका चक्र चलता रहता है और उनका आक्रमण बढ़ता रहता है। इससे बचने के लिए आपको क्या करना है कि नीम ऑयल का छिड़काव आपको करना है। 5 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आपको इसका छिड़काव करना है। अगर प्रभाव ज़्यादा है तो 10 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आपको इसका छिड़काव करना है। नीम ऑयल के छिड़काव से ये होता है कि नीम ऑयल इनकी प्रजनन क्षमता को ख़त्म कर देता है और जो अंडे विकसित होते हैं वो आधे विकसित होते हैं और जिनसे बच्चे अच्छे से नहीं निकल पाते हैं। दूसरा, आपके साथ इसको मिक्सन करके ईमा नोवा 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव करना है। इसके बाद दूसरी दवाई है कोराजीन, जो FMC कंपनी की है, इसको लेना है आपको। 60 ml प्रति एकड़ के हिसाब से इसको छिड़काव करना है। इसी के साथ साथ सबसे ज़्यादा प्रभावशाली दवा और जिसको हम आपको कहेंगे कि आप पक्का इस्तेमाल करें, और ये सबसे बेहतरीन है और थोड़ी सस्ती भी है, और इसके इस्तेमाल से पक्का ही आपको कीट से छुटकारा मिलेगा। नीम ऑयल और इसका इस्तेमाल आप करेंगे तो आपको पक्का ही निदारण मिलेगा। 15 दिन के अंतराल में इसको आपको 2 बार स्प्रे लेना है। यह है टाटा टाकोमी, टाटा की टाकोमी दवा 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको पानी में घोल मिला के छिड़काव करना है। टाकोमी इतनी ज़्यादा प्रभावशाली है कि इससे आपको तुरंत प्रभाव दिखाई देगा और जिससे आपके खेत में इल्लियों को नियंत्रण में लाने में मदद मिलेगी। और सबसे पहले हम आपको एक और बात बताना चाहते हैं कि इसको जब आप छिड़काव करें तो अपने ग्लव्स पहन लें, मुँह को अच्छे से ढक लें, क्योंकि थोड़ी खतरनाक दवाइयाँ हैं। इनको डालने के बाद अगर आपके पेड़ों में अगर इल्लियों का प्रभाव कम होता है तो हमें कमेंट बॉक्स पर ज़रूर लिख के बताइएगा। तब तक के लिए मैं शुभम सिंह आपसे जाना चाहता हूँ। धन्यवाद।